हेलो माय लवली सोल फैमिली, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके एंजल्स का नाम। आपको सभी को हैप्पी वेरी वैलेंटाइन डे इन एडवांस, ठीक है। शुरू करते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग टॉपिक के साथ हम आने वाले हैं। आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है आपकी कौन सी अदा पे आपके पर्सन जान लुटाते हैं। आज की रीडिंग होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग, तो आइए अपने पर्सन का नाम लीजिए ताकि उनकी एनर्जी के साथ हम कनेक्ट कर पाएं। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। ओके, यहाँ पे पहला कार्ड आ गया है होमवर्ड, हो सकता है आपको नज़र आ रहा हो। कैमरा जी फोकस कर लीजिए, हमारे दर्शक आपको देखने के लिए बेकरार है। ओह माय गॉड, बहुत प्यारे प्यारे कार्ड्स आ गए। आपके पर्सन तो यू नो जान लुटाते हैं आपके। ओके ओके ओके, ओह माय गॉड। ऐसा कभी हुआ है क्या, आप अपने पर्सन के साथ कहीं छुट्टी पे गए हैं छुट्टी बिताने के लिए? देख लीजिए कितना प्यारा सा कार्ड आ गया है। ओके, देख लीजिए, हम थोड़ा कैमरा सेट कर लेते हैं, आपको पूरी दिखे सेटअप। देखिए, अक्सर आप दोनों रात में मिलते हो सकते हैं और दिन में भी कई बार मिले हैं, लेकिन दिन में जब जब मिले हैं आप किसी पार्क में, किसी ओपन जहाँ पे बहुत नेचर से रिलेटेड चीज़ें हो, या फिर हो सकता है कि कोई गार्डन हो, कोई ग्राउंड हो जहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी घास खिलती हो, धूप हो, कुछ बेंचेस हो, वहाँ आप मिलते हो। रात के समय में आप कोशिश करते हैं वहाँ मिले जहाँ कम लोग हों, ताकि आप अपनी बातों को शेयर कर सके, अपने क्वालिटी टाइम थोड़ा सा बिता सके। हो सकता है कि रात को जब जब आप मिलते हों, थोड़ा सा दूर मिलते हों, घर से दूर, या फिर आप जहाँ मिलते हों वहाँ ना मिलते हों, किसी अलग सी जगह पे, या फिर हो सकता है कि आपको बाइक राइड पे लेके जाते हों। कभी कभी छुपते छुपाते आप अपना चेहरा ढक के इनसे मिलते हों, तो ऐसी मुलाकातें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। नंबर आ गए हैं यहाँ पर 42, 36, 43, 21, 12। ये जो पर्सन है ना, आपकी ड्रेसिंग स्टाइल पे फिदा है। आपको गाउन, फ्रॉक्स घुटनों तक, या फिर नीचे जो पूरे पूरे गाउन होते हैं, लॉन्ग लॉन्ग गाउन, येलो कलर, पिंक कलर, हो सकता है ब्लैक आपका फेवरेट हो, या कोई डॉट जो पोल का डॉट्स होते हैं, या फिर कोई ऐसी रेड कलर की, ग्रीन कलर की छोटे छोटे दिल बने हो, या कोई ऐसे चित्रकारी, कोई पैटर्न बने हो, आप उस टाइप के जो कपड़े पहनते हैं ना, आपके पर्सन को बहुत अच्छे लगते हैं। स्पेशली आपके बाल, हो सकता है आपके पर्सन को लंबे बाल पसंद हो, या फिर हो सकता है जो आप जूड़ा बनाते हैं ऊपर की ओर, या फिर हो सकता है कि जो आपके छोटे छोटे बाल हैं उनका जो कलर है आपने कलर करवा रखे हो, जिस तरीके का भी हेयर स्टाइल, अगर आप दो चोटी बनाते हैं या हेयर बैंड लगा लेते हैं, कोई क्लचर लगा लेते हैं ऊपर करके, बिल्कुल सिंपल सिंपल सादा, हो सकता है आप चश्मा लगाते हो, आप स्पेक्सी हो, तो आपकी यही जो अदा है ना, ड्रेसिंग सेंस जो दूसरों से आपको अलग बनाती हो, तो वो आपको बहुत पसंद है, आपकी पर्सन को बहुत पसंद है। आई मीन एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जो हो सकता है कोई जो टाई वाले कपड़े नहीं होते बांधने वाले, कि यहाँ कोई है कोई चीज़ उसको पकड़ के बांध दिया, रिबन बांध दिया, या फिर कुछ मतलब यू नो डोरी टाइप्स लटकन है, या कोई सूट वूट आप पाते हो कुछ ऐसे हो, तो बहुत बहुत बढ़िया लगता है आपके पर्सन को। एक चीज़ और, जब आपके बाल खुले होते हैं ना, आपके पर्सन जान लुटाते हैं अपने ऊपर उस चीज़ पे, मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो देखते रह जाएं, देखते रह जाएं आपको, मतलब ऐसा लगता है टकटकी लगा के देखते रह जाएं, और कभी भी आपकी सुंदरता को देखते हुए ये बोर नहीं होते, और इनको ऐसा नहीं लगता कि बस इनफ हो गया, मेरा मन हो भर गया, कभी भी नहीं। जब जब भी आपके पास आते हैं, एक वॉर्मथ है आपके पास, एक वॉर्मथ है। जब भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं तो आपके पर्सन बोलते होंगे कि पिक्चर भेजो, क्योंकि जब जब आप अपने दोस्तों के साथ पिक्चर भेजते हैं, तो उनमें ना जाने क्यों, पता नहीं, एक चीज़ मैं बोल रही हूँ उनकी तरफ से आ रही है, कि ये देखते हैं कि कुछ भी कर लीजिए आप ना बेस्ट लगते हैं अपने दोस्तों में से। तो ये चीज़ देख के ना आपके पर्सन को बहुत खुशी होती है, एक तरीके से ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर तो बेस्ट है, ईस्ट और वेस्ट, मेरे पार्टनर तो सबसे सुंदर है, मेरे पार्टनर तो सबसे अट्रैक्टिव है, ऐसा ये पर्सन सोच रहे हैं। क्या हो रहा है इस वक्त, और क्या क्या चीज़ें हैं जो इनको बहुत अच्छी लगती है? एक सेकेंड, द थिंकिंग मैन, फ़ोटो देख देख के सोच रहे हैं कुछ आपके बारे में। जब जब भी आपकी फ़ोटो देखते हैं ना, आपकी जो आँखें,
देखिए एनजाइटी एनजाइटी क्यों हो रही है उनको, एनजाइटी क्यों हो रही है देखते हैं। स्टॉर्म वार्निंग, ठीक है। जब जब ये आपकी कोई तस्वीर देखते हैं ना, ऐसा लगता है कि आपकी आंखें एक तरीके से हिप्नोटाइज कर रही है, मतलब अपनी ओर ऐसे आकर्षित कर रही है, मानो आपकी तस्वीर इनसे कुछ कहती हो कि आओ मुझे गले लगा लो, आओ मुझे अपना बना लो। और इस पर्सन को ना एकदम से घबराहट होने लगती है। अब भाई खुश होना चाहिए, घबराहट क्यों हो रही है इस पर्सन को? दरअसल ये घबराहट है आपको खुद से दूर कर देने की। जब जब ये आपकी तस्वीर देखते हैं ना, आपकी ब्यूटी को देख के ये पर्सन इस प्रकार मनमोहित हो रखे हैं ना, आप मानेंगे नहीं इतने गजब का ये इनका अट्रैक्शन है आपके लिए, तो इनको ऐसा लगता है कि मेरे पर्सन मेरे ही रहे, मतलब ऐसा ना हो कि इनको कोई और ले जाए। या फिर देखिए आपके हाथ आपके पर्सन को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं। एक चीज़ और मैं बता रही हूँ, हो सकता है कि आप कभी कोई शॉर्ट्स पहनते हो या शूज़ जो पहनते हैं, शॉर्ट्स यानी कि निक्कर हो गए, मतलब छोटे छोटे उसके आपकी थाइज़ दिख रही हो, या हाथ में कोई घड़ी पहनते हैं, या फिर कानों में आपके झुमके पहनना, आपकी बालियाँ आपके पर्सन को बहुत पसंद है। और मुझे लगता है कि अगर आपको फ्लावर्स पसंद है, आपके पर्सन आपको फ्लावर्स भी देते हैं, या फिर खुद भी अगर आप खुद के लिए रोज़ेस या कोई फ्लावर खरीदते हैं, तो जब वो आपके हाथ में होता है ना, तो आपके पर्सन को एकदम से ऐसे ना दिल आ जाता है कि यार ये कितनी प्रिटी लग रही है। सेम फॉर बॉयज़, जब जब आप कोई फॉर्मल्स पहनते हैं तो आपके पर्सन को इतना अच्छा लगता है, किस कोई भी चीज़ पहने, हो सकता है आपके हाथों की अगर नसें दिख रही हों या कुछ भी, आप पतले भी हो सकते हैं, आप थोड़े से हेल्दी भी हो सकते हैं, चबी भी हो सकते हैं, डजंट मैटर। आपके पर्सन जो आपकी पार्टनर है वो हमेशा आपको ऐसे ही देखना चाहती है जैसे आप हो, इसीलिए वो हमेशा बोलती होंगी अक्सर वीडियो कॉल जब भी आप करते हैं कि यार जैसे हो वैसे आ जाओ ना, मुझे तुम्हें देखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, आपके पर्सन को चाहे वो गर्ल हो चाहे आप मेल हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो बहुत अच्छी लगती है। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी, ये ना बहुत डर जाते हैं जब जब ये आपको किसी के साथ देखते हैं या फिर आपको कहीं लेके जाते हैं ना अपने फ्रेंड सर्कल में, तो इनको हमेशा डर लगता है कि आपके बारे में कोई पूछे ना, पूछे तारीफ करे, लेकिन ऐसे नहीं कि तुम मेरे ही पार्टनर के बारे में ख्वाब देखने लग जाओ। जब आपको कोई आपके लिए कोई तारीफ कर देता है, कोई कॉम्प्लीमेंट कर देता है ना, इस पर्सन को एक तरीके से डर लगने लग जाता है। जी हाँ, थोड़ी हंसी आएगी सुन के, बट ये पर्सन इतने पॉजिटिव आपको लेके कि इनको डर लगने लग जाता है कि यार ये मेरी ही पर्सन है, इससे कोई मतलब ऐसे बात ना करे, ना ही इससे कोई ऐसे इसके बारे में कोई ऐसे ख्याल रखे। दिस कुड बी द वन, ये कह रहे हैं कि ये जो कनेक्शन है हो सकता है डिवाइन का भेजा गया हो, और ये इशारे हैं कि ये पर्सन कभी भी आपको यू नो भूल नहीं सकते। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, देख लीजिए किस तरीके से फ्रेंड्स की यहाँ पे बात आ गई है। अगर आपके फ्रेंड्स आपको ये बोलते हैं ना, ये पर्सन फिज़िकली बहुत आपसे अट्रैक्टेड है और इसके मन में और कुछ नहीं है, वो तो है ही, बट फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ही तगड़े लेवल पे यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन को हो सकता है आपकी लिप्स बहुत अट्रैक्टिव लगते हों, और या फिर हो सकता है कि अगर आप कोई ऐसी ड्रेस पहनते हैं जो थोड़ी सी डीप नेक की हो, आप समझ रहे हैं ना, आपके पर्सन को आपकी नेक बहुत पसंद है, फ्रंट पार्ट बहुत पसंद है आपके पर्सन को, तो ये फिज़िकल अट्रैक्शन के लिए आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपको क्रेव करते हैं, मतलब ऐसी चीज़ें बहुत दीवाना बनाती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यही रीडिंग पहले भी की थी हमने, वो डिटेल्ड है, वो सुपर डिटेल्ड है, तो जाके उसको ज़रूर देखिएगा कि आपके पर्सन क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके बारे में क्रेव करते हैं। उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस हम देख लेंगे, क्या बोलना चाहते हैं, क्या है इनके मन में, क्या है इनके मन में। अरे बोलो भाई, इतने क्या छुपे रिश्ते में हम बता ही नहीं रहे। यू मेक मी बेटर when I'm feeling down। देख लीजिए, जब जब अकेले होते हैं, जब जब बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रहे थे, डाउन फील कर रहे थे, सैड होते हैं, तो आप उनको बहुत अच्छा फील कराते हैं। आई फील हार्ड when आई एम नॉट विद यू, ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना मैं बिल्कुल अधूरा सा हो गया हूँ। यू मेक माई फियर्स मेल्ट अवे, आपसे बात करके ऐसा लगता है कि लाइफ में कोई डर ही नहीं है, डर की क्या बात है जब आप साथ में हो, कोई भी चीज़ों इकट्ठे पार कर ही लेंगे। आई लाइक हाउ यू रिस्पेक्ट मी, योर नोज़ इज़ द क्यूटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, आपको हमेशा नाक से टच करना, नाक पे हमेशा फिंगर रखना, तो ये चीज़ बहुत पसंद है।
आई लव द वे यू लाफ, आपकी हंसी इनको बहुत पसंद आती है, जिस तरीके से खुल के हंसते हैं, आपके लिप्स उस टाइम शाइन करते हैं, आपके चीक्स लाल हो जाते हैं, तो ये बहुत पसंद है. यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज, आपके सरप्राइज देना, एकदम से कॉल कर देना, पूछना, एकदम से मिलने आ जाना. यू लाफ एट माई जोक्स इवन दे आर नॉट फनी, जब ये कोई जोक मारते हैं और फनी नहीं भी होता तब भी हंसते हैं, इसका मतलब ये है कि ये सोचते हैं कि ये कितना प्यार करती है मुझसे. यू हैव अ मैजिक हैंड्स दैट फिक्स एवरीथिंग, आपके हाथ इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, एक बार छू देने भर से ऐसा लगता है कि यार बस पागल हो जाए इंसान. आशा करती हूँ ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी, अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट करके जाइएगा. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी से रिलेटेड रीडिंग दे दी गई है, मेक श्योर यू वॉच इट. कमेंट पे आपका मुझे इंतज़ार रहेगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल.